Hey everyone, this is Kanishka. Welcome back to my channel. So I think आप वीडियो को टाइटल देख के समझ ही गए होंगे that this video is about glass painting. So let me tell you that I am way too nervous because personally मैंने glass painting कभी भी try नहीं की है. So this is a धक धक moment for me. धक धक moment. So मैं जब भी टेंशन में रहती हूँ या नर्वस रहती हूँ तो आई यूज द टर्म धक धक एंड ये सिर्फ मेरे बेस्ट फ्रेंड को पता है. सो हम बिगनर्स लेवल से ही स्टार्ट करेंगे बिकॉज मुझे भी ग्लास पेंटिंग नहीं आती है ऑफ कोर्स एंड मैं भी सिर्फ ट्राई कर रही हूँ. ऑल्सो गाइज दशहरा आने वाला है तो मैं ग्लास में कुछ दशहरा से रिलेटेड ही पेंट करूंगी एंड ऑफ कोर्स ये आर्ट वर्क पहले भी कई आर्टिस्ट ने किया होगा बट दिस वीडियो इज अबाउट माई लर्निंग ऑफ ग्लास पेंटिंग. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट. ओके गाइज दिस इज ग्लास बट ग्लास में डायरेक्टली स्टार्ट करने से पहले लेट्स क्रिएट अ रफ स्केच. सो रफ स्केच बनाने के लिए मैं अपने कॉलेज के जमाने की पेंसिल का यूज कर रही हूँ. अब आप ये मत बोलना कि ओ माय गॉड ये कितना इजी है. मैं आपको याद दिला दूँ ये बिगिनर्स लेवल है. स्केच कंप्लीट हो जाने के बाद टाडा दिस इज व्हाट आवर ग्लास लुक्स लाइक. अब मैं इसी पे ही पेंट करने जा रही हूँ. सबसे पहले हम ग्लास मार्कर की हेल्प से आउटलाइंस को ट्रेस करेंगे. देन हम ये ग्लास को फ्लिप कर देंगे. अब मैं फ्लिप्ड ग्लास के ऊपर ब्लैक पेंट से आउटलाइनिंग करूंगी. सिंस मैं ग्लास पेंटिंग का कोई ट्रेडिशनल प्रोसेस नहीं फॉलो कर रही हूँ तो इट इज वे टू एक्साइटिंग फॉर मी. सो इफ यू गाइज आर थिंकिंग कि ये प्रोसेस मुझे कैसा लग रहा है वेदर इट इज ईजी और डिफिकल्ट सो मैं बताती हूँ ये प्रोसेस मुझे बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है बिकॉज ग्लास के ऊपर ब्रश जो है वो ऐसा स्लाइड कर रहा है कि मेरे हाथ कपकपा रहे हैं. सो ब्लैक आउटलाइन हो जाने के बाद हम जल्दी से ग्लास को फ्लिप करके जो मार्कर की एक्स्ट्रा लाइंस हैं उन्हें इरेज कर देंगे यूजिंग एनी काइंड ऑफ रिमूवर. मैं यहाँ पे सैनिटाइजर का यूज कर रही थी. अब मैं जल्दी से अपने फेवरेट पार्ट पे आती हूँ जो है कलर्स. अब हम जल्दी से कलर्स निकाल के स्किन टोन का कलर बना लेंगे देन इस पे हम पेंटिंग करना स्टार्ट कर देंगे. एंड एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गई कि हम जो अपनी नॉर्मल एक्रेलिक पेंटिंग में जो प्रोसीजर फॉलो करते हैं उसका एक ऑपोजिट प्रोसीजर ही हम यहाँ पे फॉलो करते हैं. ऐसा कुछ इंटेंस नहीं है बस ये बात है कि हम यहाँ पे सबसे पहले अपनी आउटलाइंस करते हैं देन हाइलाइट्स करते हैं फिर शेडोज करते हैं एंड देन एंड में बेस कलर को अप्लाई करते हैं विच इज कम्प्लीटली ऑपोजिट टू आर ट्रेडिशनल पेंटिंग्स. देखा जाए तो दिस प्रोसेस इज वेरी एक्साइटिंग क्योंकि हमको कुछ एक्साइटिंग करने को मिल रहा है ये हम रोज रोज कहाँ फॉलो करते हैं. सो हम जल्दी से पेंट करके इसी ऑर्डर में पेंट करके इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे और पेंटिंग को कंप्लीट करेंगे. दिस इज व्हाट वी हैव टिल नाउ एंड आई होप आपको पता चल गया होगा कि ये दिस इज द बैक साइड ऑफ द पेंटिंग एंड जब ये ग्लास को मैं फ्लिप करूंगी तब हमें रियल पेंटिंग दिखाई देगी एंड आई होप कि वो अच्छी बने. बहुत ज़्यादा मन हो रहा है बीच बीच में इसे पलट के देखने का बट लेट मी वेट बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मैं फाइनल रिजल्ट ही देखूँ कि कैसा आया है ये पेंटिंग. सो फाइनली आई हैव डिसाइडेड कि मैं एंड में ही रिजल्ट देखूंगी सो आई विल जस्ट कंटिन्यू वर्किंग ऑन इट एंड मैं बेस कलर अप्लाई करती जा रही हूँ आफ्टर अप्लाइंग द हाइलाइट्स एंड द शेडोज. सो जस्ट लेट्स कंटिन्यू दिस प्रोसीजर फर्दर एंड जल्दी से अपनी पेंटिंग को कम्प्लीट करते हैं. सो फाइनली लेट्स जस्ट फ्लिप द ग्लास एंड लेट्स जस्ट सी हमने क्या क्रिएट किया है एंड आई थिंक ये बहुत ही प्यारा आया है. सही में प्यारा आया है यार. सो फाइनली अब हम इसका बैकग्राउंड रेडी करेंगे यूजिंग कैनवस शीट्स एंड इसमें मैं एक्रेलिक कलर्स का यूज़ कर रही हूँ एंड जस्ट इसमें ग्रेडियंट टाइप का इफेक्ट दे रही हूँ एंड हम बैकग्राउंड कंप्लीट हो जाने के बाद ये शीट को अपने ग्लास के पीछे पेस्ट कर देंगे. सो गाइज पेंट हो जाने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा. सो इफ यू आर न्यू टू माई चैनल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो. मिलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू कॉन्सेप्ट.